नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला 24/7 और आज हमारे साथ हैं राम नारायण यादव। आप CPIM के नेता हैं, बिहार प्रांतीय खेतिहर मजदूर यूनियन के जिलाध्यक्ष हैं और हम बात करेंगे आज कि आज से कुछ दिन पहले यानी 15 अगस्त को मधेपुर थाना की पुलिस को एक अज्ञात लाश मिला था। अगले दिन उस लाश की पहचान कर ली गई जो भेजा थाना क्षेत्र के रहुआ संग्राम गाँव के एक व्यक्ति के रूप में की गई। साथ ही साथ एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल होने लगा जिसमें मधेपुर लक्ष्मीपुर चौक के निकट स्थित एक दुकान गोपाल मिष्ठान भंडार के मालिक गोपाल साहू के द्वारा एक व्यक्ति की जमकर पिटाई की गई है और उनके पुत्र के द्वारा भी उसकी पिटाई की गई। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से फैलने लगा। हालांकि ये वीडियो कब रिकॉर्ड किया गया, किस दिन रिकॉर्ड किया गया, इसके बारे में कोई भी जानकारी सोशल मीडिया पर साझा नहीं किया जा रहा था, लेकिन लोग यह कह रहे थे कि जिस व्यक्ति की पिटाई हुई पिटाई के कारण ही उसकी मृत्यु हो गई। 16 तारीख के दिन में रहुआ संग्राम गांव में सबको रखकर और सड़क को जाम कर जमकर प्रदर्शन किया गया। स्थानीय पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचे और उन्होंने यह कहा कि 3 दिन के भीतर जो है वह जो भी अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। इस तरह का उनके द्वारा वहां पे मौके पर कहा गया। अभी हमारे साथ रामनारायण यादव जी हैं और इन्होंने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर एक बार फिर से धरना प्रदर्शन, जोरदार धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। आखिर क्या बात है और क्यों ऐसी स्थिति बन रही है, इस बारे में आज हम यहाँ चर्चा करेंगे। विस्तारपूर्वक हमें बताएं कि आखिर मामला क्या है और आप लोग जो है इतने देखिए 16 तारीख को जिस दिन रहुआ के ग्रामीण और उनके परिजन के द्वारा सड़क जाम किया गया था तो हमारा घर आपको भेजा थाना में ही पड़ता है, ललवार ही टोला। हम 4 बजे के करीब 3-4 के बीच में आ रहे थे मधेपुर गांव से तो वहाँ देखे सड़क जाम था, काफ़ी मात्रा में लोग जमा थे तो हम भी चूँकि रास्ता आने का था नहीं तो मोटरसाइकिल खड़ा करके उतरे तो सब जान पहचान के लोग वहाँ मिले। हमने पूछा क्या बात है तो लोगों ने बताया कि इस तरह का बात है, वो जो है दलू गांव का नाम है उसका हत्या हो गया, उसका जो है बॉडी आया है, इसलिए हम लोग सड़क जाम किए हैं। अपराधी को जब तक गिरफ्तार नहीं करेगा तब तक हम लोग सड़क जाम करेंगे। तो हम बोले उसका जो है सो देखे थे सोशल मीडिया पर जो बीरपुर में मिला है बाध में लाश, तो फिर इस पर जो है आरोपी कौन बना है, किसको गिरफ्तार करने के लिए आप लोग कर रहे हैं, कौन उसका हत्या किया है, सो आप लोग कैसे जानते हैं जो पुलिस उसको गिरफ्तार करेगी। तब हमको बोला जो आप अभी तक नहीं देखे हैं, हम लोग क्या तो पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर घूम रहा है, ये मिष्ठान भंडार जो लक्ष्मीपुर चौक पर है गोपाल सौ वो और उसका बेटा उसको पीट पीट के मार के वहाँ जाके फेंक दिया। तो हम बोले हम तो कोई वीडियो नहीं देखे हैं, तो वहाँ के लोगों ने हमको वो वीडियो दिखाया। वीडियो देखने के बाद तो समझिए जो हमारा पारा पूरा है हो गया। जिस तरीके से गोपाल सौ सरेआम मुख चौराहा पर दुकान के आगे उसको पीट रहा है उस गरीब आदमी को, और जब आप खुद पिटाई थक जाता है तब उसका बेटा आता है, मानवता के नाते उसको छुड़ाना चाहिए कि पापा आप मत मारिए, वो लाठी गोपाल साहब से लेके जो है चेला लकड़ी का उसको पीटना शुरू करता है। और उसके बाद जो है सो धक्का जो मारता है तो वीडियो में देखते हैं लड़का जो गिरता है रोड पर पिच पर, तब कहता है बाप रे कपार फूट गया। तो निश्चित रूप से जब वो वीडियो हम देखे तो उस समय वहाँ पर जो है झंझारपुर के पुलिस इंस्पेक्टर थे, भेजा थाना के थाना अध्यक्ष थे और मधेपुर थाना के पुलिस भी वहाँ उपस्थित थे जो जाम को समाप्त करने का जो है मतलब आंदोलनकारी से वार्तालाप कर रहे थे। उस बीच में हम पहुँचे तो हमारा जो है भेजा थाना का अध्यक्ष जो है सूरज कुमार हाथों तो हमसे मिलाया और हम वहाँ के जो स्थानीय अभी जनप्रतिनिधि लोग थे उनसे पूछे जो ये आप लोग क्या चाहते हैं। वो सूरज कुमार जो है वही पर्चे भी
दिए हमारा इंस्पेक्टर साहब को जो रामनारायण जी यही हैं रामनारायण यादव, तो हम बोले ठीक है, तो ये तो बाय नेम अभियुक्त बनाया है जो वीडियो देख रहे हैं मारपीट का, तो उसका शिकायत भी है गोपाल साहु का, बदमाशी करता भी है, लोगों के साथ मारपीट करता है। एक बार एगो कंडक्टर गाड़ी खड़ा कर दिया था पैसेंजर चढ़ाने के लिए, उसको बेटा 10 थप्पड़ मार दिया, मतलब इतना नाजायज पैसा कमा लिया है जो सुनते हैं उसका अच्छा, मन। जहाँ तक ये जानकारी लोगों के द्वारा भी ये लिखा बोला जा रहा है कि ये घटना जो है ये 28 या 29 तारीख की या 30 तारीख की घटना है, हालांकि वो वीडियो में के सोर्स से ये नहीं अभी तक पता चल पाया है कि वो जो वीडियो है वो किस दिन का है, और जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाता तब तक ये बात तो कहना मुश्किल है कि मतलब हत्या किस दिन हुई है, देखिए, या हत्या किस तरीके से हुई, वीडियो को किस तारीख का है, कब का है, ये काम तो पुलिस का है जी। लेकिन हमारा कहने का मतलब है कि वीडियो में पिटाई दिख रहा है ना जी, पुलिस उस पर क्या कार्रवाई किया? आज जो आदमी मर गया उसका बॉडी मिला, तब लोग तर्क वितर्क कर रहा है कि वीडियो पहले का है कि बाद का है, हम उस पर नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन गोपाल साहु किस कानून के तहत दोनों बाप बेटा उसको पीट रहा है, उस पर पुलिस क्या एक्शन लिया? आज जब उसका बॉडी मिला है तो जो आदमी पिटाई करते हुए दिख रहा है उसको पुलिस अगर नहीं पकड़ेगी तो किसको पकड़ेगी? पुलिस को तो आज नया कानून बना है भारतीय न्याय संहिता, उसमें तो वीडियो को और जो है ये ऑडियो को ये फोटो को साक्ष माना गया है तो उसमें तो साक्ष की भी आवश्यकता नहीं है, उस पर भी हमको नहीं जाना है। तो जब वहाँ पर वार्ता हो रहा था तो उस समय हम रुके थोड़ा देर, तो हम उसी समय इंस्पेक्टर को बोल भी दिए कि देखिए उसको डिटेन कीजिए आप लोग, और जो है गरीब आदमी की हत्या हुई है जब बैने में अभियुक्त बनाया है उसका वीडियो कह रहा है, शख्स तो आपके पास पूरा है, तो नए नेताजी उसको पकड़ेंगे, 3 दिन का हमको समय दीजिए, इन लोगों से भी यही आग्रह है, और 3 दिन का समय उनको दिया गया। उसी समय हमने बोल दिया कि अगर 3 दिन में उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो समझिए जो रामनारायण यादव और हमारा संगठन भी इस हत्या के विरोध समर्थन मतलब विरोधी को गिरफ्तार करने के लिए हम भी इन लोगों के साथ सामाजिक स्तर पर जो इनका लड़ाई है इनको हमारे स्तर से भी समर्थन मिलेगा, वो आज ही आप इस बात को जान लीजिए। उसके बाद जब हम निकले तो वो जो भखरैन और नवादा का जो क्या कहते हैं रहुआ संग्राम का सीमा है जहाँ पर भेजा और मधेपुर थाना का सीमा है, वहाँ पर सीमा के पास जो एक रास्ता जाता है बेहरा की तरफ भट्टा है आगे में, वहाँ पर 5 गाड़ी पुलिस की लगी हुई थी। अच्छा, जहाँ पर हम देखे मधेपुर का जो है सो ये सब इंस्पेक्टर हैं, एक लक्ष्मण शाह वो भी थे, मधेपुर का थाना अध्यक्ष थे, एक जो है लखनऊ आरएस पुकेट की गाड़ी थी, यानी कुल मिला के 4-5 पुलिस की गाड़ी यहाँ पर खड़ी थी। और उसके बाद हम आए मधेपुर, मधेपुर आए तो 4 बजे हमको जानकारी मिला कि 2:30 और 3 बजे के बीच में गोपाल साहु को पुलिस उठा के ले गया है, और ले गया मधेपुर थाना में रखा, उसको लखनऊ लेके चला गया। अच्छा, इसका जब हम पता लगाने लगे तो इसका जानकारी ये उभर के आया जो DSP वहाँ जो है जब सड़क जाम हो गया था रहुआ में, तो वहाँ इंस्पेक्टर और मधेपुर थाना के पुलिस भेजा पुलिस गया, लेकिन ये DSP जो है सो वहाँ घटना जहाँ पर लोग सड़क जाम किए हुए थे वहाँ तक ये नहीं पहुँचे। ये सेंट्रल बैंक जो है रहुआ में गांव के उत्तर है, वो सेंट्रल बैंक के पास ये बैक होते हैं, और बैक होने के बाद ये यहाँ पर गोपाल साहु को उठाते हैं, गोपाल साहु को उठाने के बाद ये जो अपना ये है लक्ष्मीपुर का ये डोम टोली का रास्ता जो है इस रास्ता से जो कट जाता है ब्लॉक की तरफ, इस रास्ता से उसको फिर आपको जो है सो पची वाला जो रास्ता है वो तिकोनमा वाला उस रास्ता से इसको ले गया। अब चाहे लखनऊ थाना में रखा है या कहीं गोपनीय जगह पर DSP उसको जहां रखा हो वो तो DSP जाने, लेकिन पूरे मधेपुर में इस बात का चर्चा हो गया था, हम लोग जाने, प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि गोपाल साहु को पुलिस उठा के ले गई है। लेकिन जब जो है इस बात का कोर्ट में भी उसको जो है जो लोग गया था वो DSP ऑफिस में पुलिस गाड़ी से गोपाल साहु को ले जाते हुए लोगों ने देखा, तो वहाँ पर बात क्लियर हो गया कि चूंकि अभियुक्त बयनेम है और हत्या का मामला है तो जेल जाएगा, कोई विकल्प नहीं बचता है। लेकिन 18 तारीख को जानकारी मिली शाम में, जो 17 तारीख को रात में ही गोपाल साहु को DSP जो है
सो पैसा 10 लाख रुपया लेके और जो है एक सत्ताधारी पार्टी का सांसद के पैरवी पहल पर भी उसको छोड़ दिया। ये बड़ा आरोप है, इसका कुछ साक्ष्य है कि मतलब 10 लाख रुपए ले लिए या ये लोग सुनी सुनाई बातें? आप पत्रकार हैं, आप हमको बताइए कि घूस लेने वाला पदाधिकारी या जो भी मामला में घूस लेता है उसका कोई साक्ष्य रहता है? नहीं, ये बड़ा आरोप है कि मतलब इस तरह का एकदम बड़ा आरोप है इसका। जो देखिए, इससे पहले भी आपको हम कहे थे इनके बारे में कि, और आज भी मैं कह रहा हूँ कि जो पंचायत सेवक, पंचायत सचिव जिसको कहता है, वो मृत्यु प्रमाण पत्र में भी लोगों से 100 रुपया घूस ले लेता है प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर। तो उस ग्राम सेवक को अगर अनुमंडल पदाधिकारी बना देगा तो उसको वही 100 रुपया मृत्यु प्रमाण पत्र में घूस लेने वाला बीमारी नहीं उसको छोड़ेगा, वही बीमारी इसको है। ये मधेपुर के थाना अध्यक्ष रह चुके हैं, तब से हम इनको जानते हैं। और उस दिन भी हमने आपको कहा था कि जो आदमी थाना पर कोई पैरवी के लिए जाएगा, अपना काम के समस्या को लेके जाएगा और उसको कोई थानेदार कहेगा 10 कप चाय मंगाइए, तो 10 कप चाय का दाम 50 रुपया होता है। तो जो 50 रुपया का घूस लेने वाला पुलिस पदाधिकारी को आप DSP बना दीजिएगा तो उसका नेचर कैसा रहेगा? अब अपने आंदोलन पर आते हैं, आपके आंदोलन पर ये पूरी घटनाक्रम हम समझ गए। अब आप लोगों की तरफ से क्या है और मतलब क्या किया जाए? देखिए, हम साफ शब्द में कहना चाहते हैं, हम सरकार से मांग किए हैं और मधुबनी के SP से मांग किए हैं कि अगर हम जो आरोप लगा रहे हैं, आपने भी कहा बहुत बड़ा आरोप है, हम आपको खुले चैलेंज के रूप में कहते हैं कि ये जांच करे जो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी गोपाल सौ को उठा के 16 तारीख को 2:30 और 3 बजे के बीच में ले गया था कि नहीं, और 17 तारीख को रात में छोड़ा कि नहीं छोड़ा, इस बात का जांच हो जाए। और निश्चित रूप से जब हत्यारा को, जब दोनों बाप बेटा बहने में अभियुक्त है और उसको पुलिस 24 घंटा के बाद छोड़ता है 2 दिन के बाद, तो निश्चित रूप से 10 लाख रुपया लिया, लूट के पूरा जमा किया हुआ है। अभी जो है सो उसका सड़क पर जो है सो दुकान चला रहा है, आधा सड़क को कब्जा किए हुआ है और उल्टे जो है बस खड़ा होता है तो कंडक्टर को पीटता है। ये सब पूरा जो है लूट के उसका पैसा का गर्मी हो गया, इसलिए गरीब का दलित हत्या कर दिया, पिछड़ा जाति से आता है और पुलिस जो है पैसा लेके आज तक आरोपी को बचाने में लगा हुआ है। सीधा हमारा डिमांड है, अगर जब तक जो नामजद आरोपी है उसको अगर पुलिस गिरफ्तार नहीं करती है, तो हम कल भी आपको कहे थे मीडिया बंधुओं को, हम 3 दिन का समय देते हैं, 3 दिन के अंदर अगर पुलिस इनकी गिरफ्तारी नहीं करती है, वो जो एविडेंस है, जो वीडियो है, साक्ष्य प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है पिटाई का, दोनों बाप बेटा जो जानवर की तरह पिटाई करता है उस गरीब आदमी का, पूरा साक्ष्य है, कोई साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है। अगर वो निर्दोष भी है तो वो कोर्ट जानेगा, कोर्ट का मामला है दोषी है कि निर्दोष है। अभी तो देख रहा है उस गरीब को पीटते हुए वीडियो, पूरा इलाका का लोग देख रहा है, पुलिस नहीं देख रहा है क्या? हम गिरफ्तारी चाहते हैं उसका, नहीं तो आंदोलन होगा। आंदोलन अगर होगा तो उसमें जो भी जवाबदेही होगी वो मधुबनी पुलिस की होगी, DSP का होगा, झंझारपुर का SP का होगा, सरकार का होगा। जनता के अंदर जहाँ आक्रोश है, पुनः जो है सो 3 दिन का समय लिया था इंस्पेक्टर, वहाँ वार्ता में जो है DSP स्वयं जाना चाहिए जिनको, वो नहीं गए, इंस्पेक्टर को भेजे, इंस्पेक्टर वहाँ जो है सो 3 दिन का समय मांगा था, वह 1 सप्ताह पूरा होने वाला है। और इससे भी क्या मतलब है, अपराधी को तो पकड़ के छोड़ दिया ना, तो हम क्या समझते हैं? हम तो यही जानते हैं कि जो है अपराधी को बचाने में पूरा पुलिस लगा हुआ है। इस मामले में आगे क्या होगा, इसकी पूरी जानकारी के साथ अभी बार पुनः उपस्थित होंगे। आपका भी समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।